जय हिंद। देखिए आप 26 जनवरी है, आप इस दिन कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। हम कि ये आरआरबी एनटीपीसी का मामला है, आरआरबी के लिए आप बाकी जो जिला प्रशासन है या स्टेट की पुलिस है उसको सफर करना पड़ रहा है। हालांकि आरआरबी को सोचना चाहिए कि लड़का अभी एनटीपीसी का मांग कर ही रहा था कि एक नया सीबीटी टू जोड़ दिया ये ग्रुप डी में। तो देखिए मेन जो आंदोलन हुआ ना वो इस नोटिफिकेशन के वजह से ज्यादा उग्र हो गया यहाँ पर। हालांकि ये राजनीतिक नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा है, आरआरबी ने गलती किया है उससे लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए आंदोलन में कोई टीचर का ये आंदोलन नहीं है, खुद वहां पर जिला प्रशासन गए थे तो पूछने गए थे कि आपका लीडर कौन है। ये किसी भी का लीडर का नहीं है, ये स्टूडेंट का है। स्टूडेंट को समझना पड़ेगा, जिस दिन आपका कोई लीडर आया ना उस दिन आपका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग कह देंगे कि ये तो शिक्षक माफिया या फिर कोचिंग माफियों का काम है। इसलिए आप लोग समझिए, ये आप खुद हैं, इसमें कहीं से भी इसमें वायलेंस नहीं होना। आप खुद से सोचना चाहिए, विद्यार्थी हैं आप लोग, ट्रेन में इस तरह का उपद्रव नहीं मचाएंगे, कहीं पे भी आगजनी वगैरह की कोशिश को नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन को भी संयम बरतना चाहिए, अफवाहों पे नहीं रहेंगे। देख रहे हैं हमारा एक तो 2019 का वीडियो हमारा YouTube पर चल रहा है, जो 2019 का है, जो पुलवामा हमला हुआ था तो उस पर हम लोग रोड प्रोटेस्ट किए थे, या प्राइवेटाइजेशन का 2019 का था वो चल रहा है। और प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि 2000 शर्ट पहन के अगर कोई इंसान वीडियो बना रहा है वो ठंडी के दिन का नहीं है। प्रशासन भी पता नहीं कहाँ सो रहा है, शर्ट पहन के अगर कोई वीडियो आज के डेट में डाल रहा है मतलब वो गर्मी के दिन का वीडियो। तो पुराने वीडियोज को भी देखिए, अब वो पुराना वीडियो है और नया है, दोनों में अंतर समझिए, अफवाहों से बचिए, वरना फिर आप लोग को भी स्टूडेंट लोग समझिए कि अगर हिंसा करिएगा तो सारे लोग आपका साथ छोड़ देंगे। कहीं से भी हिंसा सही नहीं है और आप लोग इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण करेंगे। जैसा अपडेट होगा आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिर बता रहे हैं हर विद्यार्थी से कह रहे हैं हिंदुस्तान की, ये आपसे विनती नहीं आदेश है, 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए।